हाय एवरीबॉडी, ये जो आप पीछे सेटअप देख रहे हैं, ये आपने मेरी पहले व्लॉग जो मेरा सबसे पहला व्लॉग आया था उसमें आपने ये सेटअप नहीं देखा होगा। ये क्लोथ हैंगिंग स्टैंड नया है और यहाँ एक होम थिएटर नया आया है और इसके साथ ही हमारे पास एक नया आईफोन 13 प्रो आया है। इतना सब कुछ इतने दिन में हो गया और मैंने आपको व्लॉग नहीं दिया, उसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। Hey guys, what's up? How you are doing? And welcome to the another vlog of Rajan B. Singh Luthra. I am very, very, very excited कि आज मैं इतने time बाद vlog कर रहा हूँ। देखो, मैं रोज़ vlog करना चाहता हूँ, मैं रोज़ आपको YouTube पे content देना चाहता हूँ, but the thing is शायद अभी वक्त मेरे हक में नहीं है और शायद अभी ऐसी situations नहीं है कि मैं रोज़ regular vlog कर पाऊँ। ज़्यादा deep में नहीं जाऊँगा कि मैंने vlog क्यों नहीं किया, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि घर पर कोई बीमार हो गया था, मैं मदर गॉड सिक, तो 15-20 दिन मैं वहाँ बिजी रहा एंड मनाली से आने के बाद ये चीज़ हुई। तो आपको जो मनाली के व्लॉग भी मिले हैं उसमें भी अभी एक व्लॉग कम है और वो मैंने अभी तक एडिट भी नहीं किया और मैं शायद वो व्लॉग अपलोड भी नहीं करूँगा क्योंकि उस दिन हम मनाली से वापस आ रहे थे चंडीगढ़ और चंडीगढ़ आने के बाद मुझे पता चला कि मेरे मम्मा ठीक नहीं है, तो मैंने उस रात वहाँ नहीं रुका, मैं सीधा घर आ गया और उसके बाद से सारी चीज़ शुरू हो गई। बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड नाउ शी इज़ रिकवरिंग, शी इज़ डूइंग एब्सोल्यूटली फाइन और आज अप्रॉक्सीमेटली आई गेस आफ्टर अ मंथ आई एम डूइंग एनी शूट्स। आई एम वेरी एक्साइटेड, आई जस्ट वॉन्ट लेट यू नो गाइज कि ये जो आप पीछे स्टैंड देख रहे हैं, ये स्टैंड मैंने मंगवाया था और मैंने इसके ऊपर अभी वो जो आपने राजन लूथरा वाली चीज़ है वो इसके ऊपर लगेगी, बट वही चीज़ काम हो ही नहीं रहा था क्योंकि काम करने का दिल ही नहीं चाह रहा था, क्योंकि जब फैमिली में से कोई बीमार होता है तो आपका ना दिल उसी चीज़ पे लग जाता है कि बंदा स्ट्रेस में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है, तो इन सब चीज़ों में ये हो नहीं पाया। तो ये कम्प्लीटली सेटअप डन है, कोई चक्कर नहीं है। और ये फ़ोन है जो इसके पीछे काफ़ी लंबी स्टोरी है, मेरे पास एक 13 प्रो मैक्स था और एक 12 प्रो मैक्स था, बट 12 प्रो मैक्स और 13 प्रो मैक्स दोनों बड़े हो जाते हैं फ़ोन, तो मेरे से दोनों हैंडल करने मुश्किल हो गए थे, तो मैंने फिर एक अपना 12 प्रो मैक्स साइड पर रख दिया एंड इसको बाय कर लिया क्योंकि ये काफ़ी हैंडी है। तो ये मेरा पर्सनल फ़ोन है और ये मेरा बिजनेस फ़ोन है, तो अब थोड़ा ना शॉर्ट आउट रहता है बंदा। जिस मुद्दे के लिए मैं व्लॉग बनाने जा रहा हूँ, वो मुद्दा वो ये है कि मुझे आज काफ़ी सारे पार्सल्स आए हुए थे इतने दिन से और मैंने शूट्स स्केड्यूल किए हुए थे, मैं नहीं कर रहा था, तो आज फाइनली मैं शूट करने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मुझे आई है, जो मैं सिर्फ आज आपको वही चीज़ दिखाने वाला हूँ और मैं कुछ नहीं दिखाने वाला आपको, जो चीज़ दिखाने वाला हूँ बहुत मस्त है, मुझे आए हैं ट्रेसर की तरफ से शूज़। तो दिस इज़ द फर्स्ट बॉक्स एंड यू कैन सी पहला आर्टिकल ये आया है। मैंने वाइट ऑर्डर इसलिए किए थे क्योंकि मुझे वाइट पसंद बहुत है, बट हाँ वाइट जल्दी गंदे हो जाते हैं, बट वाइट एक ऐसा कलर है जो हर किसी ट्राउज़र के साथ, जीन्स के साथ हम पहन सकते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट पेयर, लेट मी शो यू द सेकंड वन, और ये है अपना सेकेंड पेयर। ये भी मैंने वाइट ऑर्डर किया है क्योंकि मैं वाइट और ब्लैक से तहे दिल से प्यार करता हूँ, तो ये भी मैंने वाइट ही ऑर्डर किया। दिस इज़ द लास्ट वन, और ये दो वाइट मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, बट वाइट मैं ज़्यादा पहनता नहीं हूँ, मैं डरता हूँ कि गंदे ना हो जाए, तो वाइट मैं ओकेजनली पहनता हूँ, बट ये जो है ये हम रेगुलर यूज़ में पहन सकते हैं। यू कैन सी दिस इज़ द कलरफुल, ये हम ब्लैक आउटफिट के साथ, ऑल ब्लैक आउटफिट के साथ पहन सकते हैं या कोई डार्क आउटफिट हो उसके साथ जा सकते हैं। तो ये मेरे ऑन द गो होंगे जिनको मैं रोज़ रेगुलरली पहनूंगा, और ये मेरे ओकेजनली होंगे वाइट वाले जो मैं कभी कभार पहनूंगा। इंस्टाग्राम पे आपको इनकी पोस्ट बहुत जल्दी दिख जाएगी, तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच ट्रेसर, थैंक यू, रियली अप्रिशिएट। इसके साथ साथ ही मुझे और भी प्रोडक्ट्स आए हैं, वो मुझे प्रोडक्ट्स H&M की तरफ से आए हैं, H&M की तरफ से। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ, रिसेंटली आई गॉट फीचर्ड ऑन H&M वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप, यहाँ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, नीचे लिंक शेयर कर दूंगा, आप जाके खुद देख लेना। और आई एम फीलिंग रियली ब्लेस्ड क्योंकि कभी कभी ना किसी चीज़ को पाने के लिए आपका सपना होता है यार यहाँ तक पहुँचना है, यहाँ ये चीज़ करनी है, तो दैट्स गेटिंग रियली रियली क्लोज। एक दिन था जब मैं H&M के क्लोज खुद बाय करता था, जाता था क्लोज लेने या पसंद है, आज ब्रांड मुझे खुद अपनी वेबसाइट पे फीचर कर रहा है एंड दे वांट टू वर्क विद मी, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, क्या ही हो सकता है मुझे बताओ। और जो मुझे H&M की तरफ से क्लोज आए हैं मैं आपको एक दो दिखा देता हूँ। सो ये मुझे एक पीजेज आए हैं,
पजामा है, क्योंकि आपको पता मैं पजामा बहुत पहनता हूँ। और ये इसके साथ एक आई है हमें टी शर्ट, ये जर्सी टाइप टी शर्ट है, काफ़ी बैगी है, काफ़ी खुली है और मज़ेदार। तो अब इसको चेंज करके हम आपको अपना हुलिया दिखाते हैं। यो मैन, दिस इज़ द बैगी आउटफिट एंड मुझे काफ़ी पसंद है। रुको, आपको मैं पजामा दिखाता हूँ यहाँ स्टैंड से उतार के। अब एक्चुअल में लग रहा है कि मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, यहाँ रख के ना ऐसा लगता है मैं को तो नहीं भाई प्रोफेशनल शूट कर रहा हूँ। एनीवेज, तो ये है अपना लुक, यू कैन सी दिस इज द पजामा। ये जिस ब्रांड का अपना पजामा है उसी ब्रांड की अपनी टी शर्ट है, मतलब सेम है, मतलब एक काइंड ऑफ यू कैन से कि ये एक कंप्लीट आउटफिट है और ऐसे ही ये पहनोगे तो अच्छा लगेगा। ऑल्दो इसके साथ अगर आप प्योर वाइट भी पहन लोगे वो भी अच्छी लगेगी, और अगर आप काइंड ऑफ क्रीमिश पहन लोगे वो भी अच्छी लगेगी, बट मुझे ये वाली चीज़ ज़्यादा सेक्सी लगी तो मैंने एक कंप्लीट आउटफिट उनसे मंगवाया था कि ये वाला भेजो। आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको ये आउटफिट इस सुंदर से चेहरे पे कैसा लग रहा है, ज़रा कमेंट करके बताओ। और अब मैं शूज़ पहनता हूँ, इसके साथ वाइट शूज़ ही पहनूंगा, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो वाइट मैंने स्लीपर्स पहने हुए हैं, तो वाइट स्लीपर्स कितनी ग्रेस दे रहे हैं, तो इसके साथ जब हम वाइट शूज़ पहनेंगे तबाही ये वाले, क्योंकि ये थोड़ा फंकी लुक दे रहे हैं और इस लोअर के साथ मैच भी कर जाएंगे, तो ये वाले पहनते हैं। ठीक है, एक तो आप जब भी कोई ब्रांड की चीज़ पहनते हो ना तो उनकी ब्रांडिंग हर जगह होती है, देखो यहाँ भी है, अंदर भी मैंने अभी निकाला और ये कुछ और भी है। ये चीज़ हमेशा आपको मिलेगी, इसको सिलिका जल कहते हैं, इससे स्मेल नहीं आती और चीज़ ख़राब नहीं होती, बट इसको कभी भी खोल के खा मत लेना, बच्चों से दूर रखना। तो ये हम रेडी हो चुके हैं और अब हमें कुछ नहीं करना है, बस जो क्लोथ्स लेके जाने हैं वो पैक करने हैं। और ये शूज़ चलने में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब कई शूज़ होते हैं ना जो काफ़ी हार्ड होते हैं उनका सोल, बट इनका हार्ड नहीं है, इट्स इजी टू वॉक विद देम एंड कंफर्टेबल है। बाकी पूरा दिन मैंने आज पहने हैं, ये चीज़ का रिव्यू आपको व्लॉग में दे ही दूंगा, इस चीज़ की आप फिक्र ना करो, बट अभी के लिए मुझे बहुत सेक्सी लग रहे हैं। मम्मी मैं कैसा लग रहा हूँ? स्वीट 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 स्वीट। चलो मैं छूट करके आया, मेरा बाहर सामान रखा दो, आ जाओ। बमरा जी, आज किन्ने चिर बाद असी व्लॉग शुरू किया, तो तुसी किन्ने चिर बाद व्लॉग च देखे? नहीं आपां तो मिलते रहने, व्लॉग नहीं मिलते इन्हां नूं, मनाली तो बाद हुण बनाया आपां, हड़ा महीना पै गया बिच। चलो कोई नहीं, महीने बिच बहुत कुछ हो गया, क्यों बमरा जी? बहुत कुछ, बहुत कुछ। हस दे चेहरे दे पिछे ना समझो, ये कुछ ने दुख तकलीफ इन्होंने भी बहुत ने। चलो बाबा मेहर करे। हम ना शूट कर रहे हैं, जहाँ हम शूट कर रहे हैं यहाँ सारे आउटलेट है, मतलब यहाँ पे आपको सारी चीज़ों पे 50% डिस्काउंट मिलेगा। हमें यहाँ से कुछ बाय नहीं करना है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है, बस हम शूट करने हैं। और हमारे साथ देखो आज कौन आया, शाहजी महाराज मालकड़ी बैठी। ये बंदे ने तुम ब्लॉग बहुत देर बाद वेख्या, सिर्फ उदो आया जो आप भाजी सर्वे कर गए, सर्वे गलत हो गए की दसा दे एंडी लाती मैं बोल ही देता खत्म टाटा बाय बाय। आप कुछ सर्वे ले, रिजल्ट कुछ आए, रिजल्ट कुछ आए, लोगों ने खा पी खाधा लिया, झाड़ू फेरता एक मिनट तूफान आया भाजी, तुसी वोट के नू पाई सी भाजी, भाजी वैक्यूम क्लीनर चल गया, मेरे कालिया ने वोट पाई हूँ मुकर गया, मैनू कहते मैं झाड़ू पाई भाजी, वैक्यूम चला छड़िया है, वैक्यूम पता नहीं कितों लै गया, बन बन गए सीटा ही लै गए, सर्वे बहुत गलत निकलिया, मेरा दिल उठ गया, कर दो मैनू पंजाब च भगवंत मान, धोखा प्यार च धोखा मिलता है, लोगों ने जिते भी देता खा पी के सत श्रीकाल। तो हजे वीरा बैठा शूट करने लिए, क्योंकि वीरे का हजे होना, मैं अपना करवा पे फिर एदा भी करना, की करना हजे शूट यार, रात हो गई
ਕਮਰੇ ਇਹ ਡਬਲ ਮੀਨਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਪਰਿੰਗ ਡੇਲ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਚੌਥੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਆਈ ਹੋਈ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਘੈਂਟ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਧੁੱਪ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪਰ ਫੋਟੋਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਮਰਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹੁਲ ਭਾਅ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਫੜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਗਾਰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਫੀਲ ਨੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਜੀ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪੇਟ 'ਚ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁੱਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਸ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਫਿਟ ਪਾਇਆ ਇਹ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੂਟ ਬੜਾ ਬਾਕਮਾਲ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਚਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਆਊਟਫਿਟ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ ਬਟ ਦੋ ਹੀ ਆਊਟਫਿਟ ਮੈਂ ਨਿਕਾਲਾਂ ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕੰਟੈਂਟ ਨਿਕਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਤਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੋ ਦੋ ਆਊਟਫਿਟ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਔਰ ਵਿਦ ਦਿਸ ਅੱਜ ਕਾ ਵਲੌਗ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਆਪਕੋ ਇਹ ਵਲੌਗ ਅੱਛਾ ਲਗਾ ਹੋਗਾ ਬੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਲੌਗ ਕੀਆ ਯਾਰ ਤੋ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਮਤ ਭੁੱਲਣਾ ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਪੇ ਨਏ ਹੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਚੈਨਲ ਪੇ ਨਏ ਹੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਆਲ ਗਾਈਜ਼ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੜੇ ਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਖੜਕਾ ਲਾ ਕੇ जो व्लॉग्स हैं वो अच्छे से नहीं बना पा रहा हूँ आपको रेगुलर कंटेंट नहीं दे पा रहा हूँ और हर बार मैं आपको कहता हूँ कि अब मैं रोज़ व्लॉग बनाऊँगा और ये मैं इंट्रोडक्शन कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि ये सही नहीं है।